उत्तराखंड के चमोली में छात्राओं ने नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए रैली निकाली। चमोली में जगह जगह नशे पर रोक लगाने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार कोई ना कोई अभियान चलाया जा रहा है। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की बालिकाओं ने भी लोगों को नशे पर जागरूक करने के लिए रैली निकाली, जिसे चमोली में SP ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं SP का कहना है कि नशे के खिलाफ जिले भर में अभियान चलाया जाएगा। इसी के तहत बच्चों की ये रैली भी निकाली जा रही है। समाज में नशे के दुष्प्रभाव को लेकर लोगों में जागरूकता आए, लेकिन ऐसे में सवाल इस बात का है कि आखिर कब नशा मुक्त होगा उत्तराखंड। हम लोग अपने समाज में देखते हैं कि बहुत सारे लोग, जो बच्चे टीनेजर्स, सारे नशे की लत में हैं। सब कुछ बहुत कुछ बिगड़ रहा हमारा समाज। जो अभी जो नई पीढ़ी है, वो लोग अपनी जो उनका मेन काम होता है जैसे पढ़ाई करना, उसकी बजाय ये लोग स्मोकिंग वगैरह, जैसे ड्रिंक करना, बॉन्ड्स लेना, इस तरीके के काम ये लोग अपनाते हैं। तो इन चीज़ों से दूर रखने के लिए अभी हम लोग ये रैली निकाल रहे हैं। और बड़ी संख्या में नशे संबंधी सामान की बरामदगी की गई है और इसी संबंध में जागरूकता का भी हम कार्य कर रहे हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे द्वारा नशे के विरुद्ध जागरूकता के लिए एक रैली निकाली गई है। तो पुलिस दोनों तरह से काम कर रही है, हम इन्फोर्समेंट भी कर रहे हैं, लगातार छापेमारी की कार्रवाई है, साथ ही साथ हम लोग जागरूकता का अभियान भी चला रहे हैं ताकि नशे पे एक ओवरऑल कंट्रोल लाया जा सके।